प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय SST सामाजिक अध्ययन। आज का अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसमें देखेंगे प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। देखिए, एक नंबर का प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो देखेंगे आप कुल कितने अनुच्छेदों में है, चार अनुच्छेदों में है, यानी दो का ऑप्शन है। अब देखेंगे आपका दो नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा 23। कितने हैं? 23। नेक्स्ट देखिए तीन नंबर का, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना जा सकता है? तो ये आपका तीन नंबर में हो जाएगा, 3, जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता है? जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। चौथे नंबर में है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार में व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए पाँच नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। छः नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है? तो समता का अधिकार है ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। सात नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आठ नंबर का प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि के समक्ष समानता के अधिकार को। अब देखिए नौ नंबर में है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। दस नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो 10 में आपका है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। 11 नंबर का प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। 12 नंबर का प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो अस्पृश्यता का निवारण है ये होगा आपका, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है, 1 व 2, यानी कानून बनाकर और शिक्षा की उन्नति के द्वारा। 13 नंबर का प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो देखिए क्या सम्मिलित है, धर्म प्रचार करने का अधिकार सम्मिलित है। अब देखेंगे, अच्छा इसके अंदर नीचे ऑप्शन और दे रखे हैं, तो इसमें आपका है 1 नंबर का 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 देख लेते हैं, धर्म प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप 14 नंबर का प्रश्न, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो 14 में आपका जो प्रश्न है ये है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है? तो क्या तथ्य है? संसद उसके सामान्यता
संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। 17 नंबर का प्रश्न है, लोक हितवाद दायर किया जा सकता है, तो लोक हितवाद है ये 2 नंबर का ऑप्शन सही है, जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है? तो 18 नंबर में आपका जो है ये है प्रेस की स्वतंत्रता। 19 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण नाम दिया गया है। तो देखिए कथन है, भारत बहु धार्मिक तथा बहु नृजातियों का समाज है। कारण है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव बगैर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो 19 में है, देखेंगे आप, 19 में 2 है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है वाद योग्य। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 21 नंबर के प्रश्न में देखिए, मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न, ये देखिए, मौलिक अधिकारों को किस तरह निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके आदेश करे। 22 नंबर में 3 का नंबर, 3 ऑप्शन। और 23 का देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो इसके अंदर है 2, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 24 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो 24 नंबर में है 1, अनुच्छेद 32। 25 नंबर में देखिए, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 है, ये देखना अपने को। वक्तव्य 1 देखिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी चुनाव में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरा है, प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 व 2 सही हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें 25 में जो है, ये देखिए 25 में चौथा ऑप्शन सही है, 1 व 2 गलत है, सही नहीं है भी गलत है। 26 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो 26 नंबर में 2 है, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। 27 में देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था? तो चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के। 28 नंबर का प्रश्न है, आत्मरक्षा का अधिकार है ये क्या है? उपयुक्त सभी है, शरीर, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराधों से प्रतिरक्षा, यानी उपयुक्त सभी हैं। 29 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो किस देश का अनुसरण किया गया है, अमेरिका का अनुसरण किया गया है। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने दिया है संशोधन का अधिकार, ये है केशव भारती वाद। अब देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, ये है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था। 32 नंबर का प्रश्न है, मत देने का अधिकार, तो मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है?
34 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसके अंदर ऑप्शन दो नंबर का सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 35 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखेंगे, इसमें अपन बात करें तो कूट दे रखा है 35 नंबर में, तो 35 नंबर में एक और दो सही हैं, तो एक और दो अपन देख लेते हैं। यह है राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, और दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित किया गया है। अब देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो कौन सा कानून या अनुच्छेद लगाता है, तो अनुच्छेद 14। 37 नंबर का प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार है ये आपका उपयुक्त सही है, यह है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। 38 नंबर का प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो 38 नंबर में है ये है समता का अधिकार, सही है। 38 के बाद में 57 नंबर मिस प्रिंट है, इसमें 39 सही है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसमें 39 नंबर में देखिए, तो इसमें आपका जो सही है ये है चौथा ऑप्शन, इसमें सही है, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 है, इसको क्या करना है, सम्मिलित आपको करना है, ये देखिए, ये स्क्रीन छोटी है इसमें हो नहीं पाएगा भाई ये प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, तो 41 नंबर में है, संविधान के अनुच्छेद 19 एक कै में विशेष रूप से उपबंधित है। 42 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता है ये है भाषण स्वतंत्रता। अब देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो 43 में देखेंगे हड़ताल पर जोर का अधिकार। 44 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो 44 में है 3 21, 21 नंबर का अनुच्छेद। अब 45 नंबर में देखिए, वक्तव्यों पर ध्यान देना है अपने को, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, इससे अंतकरण और धर्म अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाले कोई विधेयक उपबंध नहीं है, तो इसके अंदर आपका जो है 45 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है एक एक और दो सही है, तो आपका एक का जो था इसमें देखेंगे आप 45 नंबर में एक का जो था ना ऑप्शन, उसमें देखिए इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये सही है, और दूसरा भी सही है, इसके अंतकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। 46 नंबर का प्रश्न देखिए, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम
14 वर्ष हो, क्या हो भी 14 वर्ष हो। 47 नंबर का प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण दान करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 2 है, ये है अनुच्छेद 25। 48 नंबर का प्रश्न, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 नंबर में है 4 अनुच्छेद 30। 49 नंबर का प्रश्न, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को कहा जाता है? तो ये आपका प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है, ये कहा जाता है मेंडेमस कहा जाता है। 50 नंबर का प्रश्न, ये देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो 50 नंबर में है संविधान, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जा सकता है? तो सरकारी पद को बचाने के लिए किया जा सकता है परमा देश। 52 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखेंगे आपका 52 नंबर का प्रश्न है, ये है समादेश यानी रिट जारी की जा सकती है। 53 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 53 नंबर में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं इसमें हो गया परमा देश। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, ये थे उद्देशिका से। इसके बाद अपन अगले टॉपिक मिलेंगे। धन्यवाद।